तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। और इस कहानी ये जो कहानी है ना, ये ऐसा तुम्हारे साथ भी पहले ना पहले कभी हुआ ही होगा और वाट लगी लगी होगी घर पे, है ना। तो एक बार ऐसी मेरी वाट लगी बहुत ख़तरनाक वाली। और पता नहीं उस दिन मेरा दिन ही ख़राब था, पता नहीं क्या था यार, पता नहीं क्या चल रहा था, किस्मत ही ख़राब थी। होता क्या है कि रात हो रही थी, मैं सो चुका था, 12-1 बज गए थे और मेरे मेरा फ़ोन बजता है। मैं उठा पानी वानी पीने के लिए, फिर है ना मेरा फ़ोन बजता है। मेरा फ़ोन पे मेरा दोस्त का फ़ोन आता है, उसका नाम चिराग है। तो उसका फ़ोन आता है और मुझे वो कहता है कि यार आ रहा है क्या गेम खेलने रात के 1 बजे। और मैं नींदों में भाई, फुल नींदों में, यार पागल हो गया है कि तू कैसी बात कर रहा है। मैं अभी सो चुका था, मैं उठा हूँ बीच में, मैं पानी पीने के लिए उठा था और मैं वो कह रहा है आ जा गेम खेलते। और एक और भैया थे उनके साथ, है ना, उनका नाम गुप्त रखता हूँ, लेमन बुलाते हैं उनको अपन, लेमन। हाँ, तो लेमन और चिराग ने मुझे बुलाया और मैंने कहा यार रात हो रही है और सर्दियों का टाइम था और भाई घर तो पास में ही है उसका, 4-5 मकान छोड़ के ऐसी। तो हुआ क्या, मैंने अब गेम खेलने की तो भाई भरवरी तो हमारी भी आई रही थी, मैं कुछ तो करना ही है। तो फिर हुआ क्या, लेमन और चिराग के जोर देने पे बहुत ज़्यादा, यार आ जा गेम खेल लें। तो मैंने कहा चलो 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 चलते हैं। मैंने क्या करा भाई, फुल प्लान दिमाग लगाया। मेरे पापा रात को उठते हैं, तो पापा रात को उठते हैं तो मैंने कहा पकड़ा जाऊँगा मैं, क्योंकि उठ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। फिर हुआ क्या, मैंने क्या करा रजाइयों के, सर्दियों में पता चलता नहीं, सर्दी में कौन उठ के देख रहा है कि बच्चा सोया ही नहीं सोया। तो मैंने कहा कौन देखने वाला, मैंने तकिए रख दिए, दो तीन रजाई ढक दी, फुला दी उसको। और मैंने कहा चलता हूँ चुपचाप से भाई, कुंडी खोली, बाहर गया और उसके घर गए। बढ़िया, 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे गेम चालू करा हमने, गेम खेल रहे हैं हम मस्त। उसके बाद गेम खेल रहे हैं हम लोग मस्त। हाँ भाई आ गए आ गए यार, वास्ता दे दिया उसने दोस्ती का। नहीं नहीं भाई, दोस्ती का वास्ता देना ही पड़ेगा, दे दिया, आ जा आ जा आ जा। मैं इस चक्कर में चला गया, मैं भी ठीक है यार, कौन पता चल रहा है किसको रात को। मैंने कहा चलो, तो भाई मैं गया उसके घर, पहुँचे, गेम खेलना चालू, गेम खेल रहे थे बढ़िया। ऐसे टाइम बीतता गया बीतता गया और भाई मुझे पता नहीं चला कब 1:30-2 बज गए रात के, 1:30-2 बज गए भाई। क्योंकि हमने वो एक पहले पुराना गेम चला था, तुम्हें याद होगा, मिनी मिलिटिया, मिनी मिलिशिया, मिनी डूडल आर्मी। तो बढ़िया हम खेल रहे, 15-15 मिनट के हम गेम खेल रहे, टाइम का पता नहीं चला गेम खेलते। और भाई रात हुई, हम खूब मज़े से गेम खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐश कर रहे हैं पूरी, और फिर आता है फ़ोन फोन आता और वही मेरी तो हालत ख़राब भाई फुल, और लेमन और चिराग की भी हालत ख़राब भाई, हमारी हालत ख़राब। मेरे पापा हैं बहुत ज़्यादा डेंजर। मैं कहा आज तो भाई पिटे, इतनी पिटाई होगी ना आज, लाल हो जाएंगे। मैं कहा मैं ही नहीं, आज तो तुम भी पिटोगे, जैकेट के रंग के हो जाओगे, मैंने कहा लाल हो जाओगे। मैंने कहा अब क्या करें। फिर मैंने जैसे तो फ़ोन उठा भाई, उठाते ही पापा के अंदर ने तो कैरी मिनाटी के हाथ में घुस गई, जो गालियाँ बकना स्टार्ट करी इतनी गालियाँ इतनी गालियाँ, बोला है मेरे गाली। फिर बोलते कहाँ है तू, फिर मेरे को बोलते कहाँ है तू। मैंने कहा मैं वो यहाँ आ गया था लेमन और चिराग के पास, इन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं अच्छा बच्चा था, मैं इनको कुछ चाहिए था, हमारे शॉप है तो मैंने कहा इनको कुछ चाहिए था तो मैं इनको देने आ गया था रात को, इनको इमरजेंसी हो गई थी। तो मैंने कहा पापा बहाना, पापा वैसे अच्छे भी बहुत हैं, तो मैंने कहा बहाना दे दूंगा तो शायद बच जाऊंगा। फिर बोले तू घर आ। और भाई मैंने बोला लेमन आप भी चलो, आप बड़े हो, ये बड़े हैं हमसे ना 4-5 साल, और चिराग तो भी चल। हम गए घर, अब लेमन तो भाई बहुत डर गए बोले भाई मैं तो नहीं जाऊँ अंकल के पास। मैंने कहा चलो, इसको क्या हो गया, मैंने कहा चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा घर पे। मैंने कहा आप चलोगे तो शायद मैं भी पिटने से बच जाऊँगा। भाई लेमन तो माना ही नहीं, मैं और चिराग हम दोनों जैसे तैसे 4-5 मकान का तो मतलब, चार पांच मकान तो छोड़ के हमारा घर ही था,
और मुझे ऐसा लगा कि हम जा रहे हैं जा रहे हैं, और हम भाई घर रास्ते में भाई मेरे को मैं वो बोल रहा, बोले आज तो अंकल पीट देंगे, पकड़ के तुझे सूट देंगे, वो अलग से आग लगाई जा रहा कि भाई आज तो पीटेंगे। मैं कहा मैं ही नहीं साले, तू भी पीटेगा आज तो, मैं अकेला ही नहीं पीटूंगा, बुलाया था ना तूने। मैं ऐसे लाइक यार मैं क्यों गया उसके घर में, अच्छा खासा सो रहा था, सो के पानी पीने उठा था, क्यों पानी पी के मैं सो नहीं गया, पता नहीं क्यों उठ के उसके घर भागा रात को गेम खेलने के लिए। और फिर भाई हिम्मत करके घर आए, जैसे जैसे वो हंसी, अब हमको है ना आदत ही हमारी तो ख़राब है कि हंसना है हमको, तो ऐसी सिचुएशन में अंदर से हंसी आ रही, और पापा का आग बबूला चेहरा, और भाई हमको हंसी आ रही, वो अलग हंस रहा, वो खुश, आज तो पिटेगा ये पिटेगा। मैं कहा मैं ऐसा कि यार तेरी वजह से पिटूंगा आज तो, तुझे भी पिटाऊंगा यहीं पे। फिर हुआ क्या कि आए रास्ते में घर आए, भाई घर आते ही पापा गेट खोले, पहले तो जोर से गेट खोलता है, जोर से गेट खुलता है, ये तुम्हारे क्या लगा रखा है, और खूब सुनाया जबरदस्त है ना, खूब सुनाया क्यों लगा रखा है ना, रात रात को तुम भाग जाते हो है ना, तकिए छुपा के रजाइयों में है ना, ये कोई तरीका होता है क्या गेम खेलने के लिए, पढ़ाई तुमसे होती नहीं, पढ़ाई तुमसे होती क्या है, पढ़ाई कर रहे होते तो वीडियो बना रहे थे। तो भाई खूब सुनाया और खूब गालियाँ दी, जो गालियाँ दी भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है तुमने, बस उस लेवल की गालियां पड़ी भाई, इतनी गालियां पड़ी, अंदर से मुझे हंसी आ रही भाई, अंदर से मुझे हंसी आ रही। मैंने कहा आज तो भाई गए, और भाई पीटने में ही थे पापा तो, मतलब मैंने कहा आज तो पिटे, वो तो चिराग था इसलिए बच गए थे, पिटा नहीं। फिर पापा ने, मैंने कहा अंदर आ जाऊँ, मैं अंदर से हिम्मत ले, मैंने कहा अब तो आ जाऊँ अंदर, ठंड हो रही, बाहर सोऊंगा कहाँ। तो भाई पापा ने जोर से गाली बकी, उसके बाद बोलते निकल जाए इस घर से। और एक तरफ तो मैं खुश था, अंदर जाता तो पिटता, निकल रहा हूँ तो बच जाऊँगा, मैं कह सो लूँगा इसके घर पे लेमन और चिराग के साथ। तो भाई मैंने फिर पापा ने निकाल दिया घर से बाहर, और भाई ऐसे मैं संतुष्ट था, निकाल दिया घर से बाहर। और यार पापा भी देख रहे होंगे वीडियो, भाई गुस्सा मत हो ना। तो फिर मैं घर गया उसके, और भाई इतना अफसोस हुआ मुझे, अच्छा खासा मैं सो रहा था, पता नहीं उठ के क्यों गया। और फिर उसके घर गए, रास्ते में भाई जो हंस रहे, और चिराग इतना जोर जोर से हंस रहा, क्योंकि पापा ने एक एक नंबर, एक अलग ही लेवल की गालियां बाकी मुझे, अलग ही लेवल की भाई। और चिराग हंस रहा, बोले यार अंकल ने क्या टोन में गालियां बकी। मैं कहा तुझे उनकी टोन की पड़ी, या मेरे को अब टेंशन हो रही कि मेरा कल क्या होगा, अभी तुम पापा ने सुनाया कल मम्मी भी सुनाएगी। और फिर भाई हुआ क्या, जैसे तैसे हम उसके घर पहुंचे, उसने बताया पूरा किस्सा लेमन ने चिराग को, मतलब चिराग ने बताया लेमन को पूरा किस्सा। लेमन भी हंस रहा हो जोर जोर से, आज मैं कहा तुम दोनों हंस रहे हो और यहाँ मेरा बुरा हाल है। फिर भाई बारी आई कि अब सोना तो उसके घर पे ही था, उसके घर पे के चूहे भी हैं, पर उस कमरे में तो चूहे नहीं थे, और भाई मच्छर, आह मच्छरों ने तो भाई आतंक मचा रखा था उसके घर में, वो तो सो गए, उनको तो आदत है भाई, इतने मच्छर, मतलब मैं रात को सोने लगा, मतलब अब हो गए खेल वेल लिया, अब हमारा ये था कि अब इतनी लड़ाई हो ही गई है, तब डांट ही खाली है, तो अब क्या यार तो बेफिक्र रहो, देखा जाएगा सुबह जो होगा। तो पहले खूब गेम खेला, दोबारा वो लोग हंस रहे मेरी हालत पे, मैं टेंशन में आएगा सुबह मेरा हाल क्या होगा, मुझे कह रहे अरे खेल ले कोई बात नहीं, अब तो जो होना था वो हो गया, मैंने कहा तुम्हारी वजह से ही हुआ है जो भी होना था। और फिर सोने लगे, वो तो सो गए भाई मस्त, और मेरी टेंशन, मैं कहा सुबह पिटना अलग है और यह मच्छर अलग खून चूस रहे हैं। भाई इतने मच्छर थे अलग लेवल, ऐसा लग रहा था मैं तालाब के ऊपर सो रहा हूँ, और मच्छरों ने हाँ जो काटना चालू करा, जहाँ जहाँ सुबह मैं पूरी रात ही नहीं सो पाया भाई, चादर ओढ़ ली मैंने, और मैं तड़प रहा हूँ, और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, मैं क्यों आया यहाँ पे, मैं क्यों आया। और भाई उसके घर की हालत जो थी भाई, मच्छरों ने भाई जैसे तैसे सोया, सुबह हुई, सुबह हो के आराम से, अब सो चुके थे तो आराम से, मच्छरों ने भी खून चूस लिया, सबका पेट भर दिया था है ना, सबका भला हो रहा था मेरे अलावा। फिर भाई सुबह होती है, मम्मी का फ़ोन आता है, 9 बजे, 9 बजे तक नहीं उठा मैं उनके घर पे भी, सो रहा हूँ आराम से, मम्मी का फ़ोन आता है, हाँ भाई कहाँ हूँ भाई, पानी ले। लेमन मुझे उठाता है, और लेमन मुझे बोलता है अरे उठ उठ, घर से फ़ोन आ रहा है तेरे, जैसे तैसे मैं घर फटाफट घर जाता हूँ, मम्मी बैठी होती है, ये मम्मी पहले तो खूब सुनाती है, फिर बोलती है सॉरी मांगो पापा से,
फिर मैं जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने कहा अब तो नहीं मारेंगे, अब तो ठंडे हो ही गए होंगे रात भर के गुस्सा हुए हुए, तो फिर सॉरी मांगता हूँ, सॉरी मांग लेंगे पहले नाराज़ तो रहते हैं फिर माफ़ कर देते हैं, हम अपने बच्चों को कितना इतना तो बोल ही दिया है रात को सुना दिया, हालत ख़राब कर दी रात को, पीटने में आ गए थे, बच गया हो तो चिराग को लेके गया था, लेकिन गलती भी उसकी थी, उसकी वजह से ही मैं पिटा रहा कल, पिटा नहीं तो बच गया था। तो ये थी भाई मेरी कहानी, और तो मैं बताना कैसी लगी, और तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ या तुमने भी कुछ ऐसी कारस्तानी करी है ना कि तकिया वकिया रख के इधर उधर भागने की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लेमन और चिराग तो बहुत खुश थे, और मेरी हालत जो थी भाई मच्छरों ने ऊपर से पापा की जो एपिक गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली गालियाँ अलग लेवल की, हंस रहे हैं खुश हो रहे हैं खून भर रहा है, अरे यहाँ मैं हाल मैं ही जानता हूँ क्या। चलो कोई नहीं, बहुत मज़ा आया, और ये थी एक कहानी मेरी जो कांड मैंने किया था 2 साल पहले 2019 में, और मुझे बताना कैसी लगी स्टोरी, अच्छी लगी तो लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना, और तुम भी कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो ज़रूर मुझे, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करना, जय हिंद जय भारत, लेमोन, बाय बाय।